दोस्तों, ईद के मौके पर सलमान खान के घर रखी गई थी ईद की पार्टी, और ईद की पार्टी में आए थे कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़। लेकिन चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब सबको ये बात पता चली कि रणबीर कपूर भी इस पार्टी में मौजूद थे। सलमान खान और रणबीर कपूर की ईद से कोई ख़ास फ़ोटो तो सामने नहीं आई, लेकिन सलमान खान के हाउस हेल्प के साथ में रणबीर कपूर की फ़ोटो आना, ये सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था। और सभी को उसके बाद ये बात पता चल गई कि आलिया और यहाँ पर रणबीर कपूर दोनों अपनी बेटी राहा के साथ इस ईद पार्टी में मौजूद थे। और उसके बाद से ही सभी कयास लगाने लगे कि आखिरकार कुछ तो पक रहा है और दोनों जल्दी साथ में कोलैब करते हुए नज़र आ सकते हैं। अभी तक इसके ऊपर कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन रणबीर और सलमान खान की दोनों की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा सालों पुरानी है। ये लड़ाई तब शुरू हुई थी जब कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, और उसके बाद से ही सलमान खान और रणबीर कपूर के बीच दूरियां आ गई थी। एक समय ऐसा भी था जब ऋषि कपूर का ये परिवार सलमान खान के बेहद करीब था। इनफैक्ट रणबीर की बड़ी बहन की शादी में सलमान खान बार अटेंड करते हुए भी नज़र आए थे, और उन्होंने ही बार टेंडिंग का काम किया था और सभी को अल्कोहल सर्व भी की थी। लेकिन इसके बाद कैटरीना कैफ जब उनकी गर्लफ्रेंड बनी तो इनमें दूरियां आ गई, और अब आलिया भट्ट के आने के बाद ईद के मौके पर जब ये साथ में नज़र आए हैं तो हर कोई खुश हो गया है, और कयास लगाया जा रहा है कि दोनों एक साथ किसी बड़े प्रोजेक्ट में नज़र आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फैंस के लिए किसी सौगात से कम नहीं रहेगा। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं सलमान खान और रणबीर कपूर को एक साथ देखने के लिए। कमेंट ज़रूर कर दें, और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल देखो देखो को।